हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। हमने चैप्टर हमारा किया था बहादुर बितो। इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है तो कि औरतें किसी से कम नहीं होती हैं, वो बहुत बहादुर होती है, सारे वो काम कर सकती है जो आदमी करते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ, अभ्यास कार्य हम कर रहे थे। हम किसी से कम नहीं, कई जगहों पर गांव में औरतें खेतों में भी काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं, ये आपको करना नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए है। शेर और घोड़ा, शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। देखिए, शेर क्या खाना खाता है? शेर खाना खाता है मांस, और घोड़ा खाता है घास और दाना। घर, शेर का घर एक गुफा होता है, जबकि घोड़े का अस्तबल। घोड़े के घर को क्या कहते हैं? अस्तबल। आप यहाँ पे लिख देना घोड़े वाले में, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे गुफा या नाद लिख दोगे आप। रंग देखिए, शेर का जो रंग होता है वो पीला, हल्का पीला और गहरा भूरा, इस तरह के पीला और भूरा रंग लिखोगे आप यहाँ पे शेर का, जबकि घोड़े का काला, सफ़ेद, पीला, है ना, काला, सफ़ेद, पीला, अधिकतर यही रंग होते हैं घोड़े के। आदतें क्या है? शेर जो है वो दहाड़ता है और घोड़ा हिनहिनाता है, ठीक है, घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। इसी तरह से और दिया हुआ है कौन क्या है। नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। किसान बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, नीना, शेर। अब इनको यहाँ लिखना है, जानवर कौन से हैं, चीज़ों के नाम कौन से हैं और नाम कौन से हैं। यहाँ पे तो जानवरों के नाम लिखने हैं, यहाँ चीज़ें लिखनी है, यहाँ नाम लिखने हैं। तो जब सबसे पहले किसान जो है वो क्या है? नाम है, है ना, तो इसमें आ जाएगा किसान, इसमें आएगा किसान। उसके बाद में बोतल क्या है? चीज़ें हैं, वस्तु है ना बोतल, तो बोतल आएगा इसमें, बोतल यहाँ पे आएगा, बोतल, ठीक है। लता भी इसी में आ जाएगा, चीज़ों में। कक्कू जानवर है, यहाँ लिखोगे आप कक्कू, कक्कू माने के कोयल ना। केला आप यहाँ लिखोगे वस्तु में केला लिख दोगे। और कलम भी आप वस्तु में लिखोगे, कलम कहाँ लिखोगे? कलम भी यहाँ चीज़ों में, चीज़ है कलम, वस्तु और चीज़ एक ही बात है। राजू नाम है ना किसी का, तो राजू आप यहाँ लिखोगे, रानू भी यहाँ लिखोगे, चूहा जानवर है, चूहा इधर लिख दोगे, नीना इधर लिख दोगे नाम है किसी का, शेर इधर लिख दोगे क्योंकि जानवर है, जूता वस्तु है यहाँ लिखोगे, चारपाई वस्तु है यहाँ लिखोगे, पगड़ी भी वस्तु है, खरगोश एक जानवर है इधर लिखोगे, करेला क्या है? वस्तु, यहाँ लिखोगे, छलनी वस्तु यहाँ लिखोगे, बित्तो किसी का नाम है तो वो यहाँ लिखोगे आप बित्तो, घोड़ा जानवर, गोरैया जानवर, ठीक है ना, बाल्टी वस्तु है ना, बाल्टी इधर लिखोगे, पीपल क्या है? पीपल भी वस्तु में आ जाएगा, ये भी इधर लिखोगे, कोयल जानवर है, नीम भी वस्तु में आ जाएगा, किताब भी वस्तु में आ जाएगी और दराती भी वस्तु में आ जाएगी। ठीक स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आप कंप्लीट कर लेना। ये हो जाएगा आपको। अब यहाँ पे एक लोक कथा दी हुई है आपको, ये नागा लोक कथा है। देखिए, हम लगातार लोक कथाएं आपकी पुस्तक में बहुत दी हुई है। लोक कथाएं क्या होती है मैं आपको फिर से बता देती हूँ। लोक कथा वो है, ऐसी कथाएं होती है जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मुख जवानी आपस में बताते रहते हैं, अपने मनोरंजन के लिए एक दूसरे को सुनाते रहते हैं।
पहले वाले लोग सुनाते रहते थे, अब लेकिन टेलीविज़न की दुनिया है, किताबों की दुनिया है और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन सब कुछ, तो कौन किसी को कथा सुनाता है बैठ के। तो ऐसी कथाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही थी, अब वो लिखी जाने लगी है, उन्हीं को कहते हैं हम लोक कथा। कहीं की भी लोक कथा होती है, वहीं उस लोक कथा में उस क्षेत्र की क्षेत्रीयता के बारे में, वहाँ के खान पान के बारे में, वहाँ की वेशभूषा और वहाँ की संस्कृति की झलक उस लोक कथा में मिलती है। लोक कथाओं से सिर्फ हमें यही फ़ायदा है कि उस क्षेत्र की संस्कृति के बारे में हमें अच्छे से जानकारी मिल जाती है। अगर वह पुरानी जानकारियाँ भी हमें मिल जाती है कि आज वहाँ की संस्कृति अगर बदल गई है तो पहले कैसी थी, क्योंकि लोक कथाएँ पहले की ही है, अभी कोई नई लोक कथाएँ नहीं है। देखिए, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर चित्र है। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, यानी कि अपनी नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में ये इतना चित्र आराम से आसानी से बना सकते हैं। आप हो सकता है गाय का चित्र आपसे ना बने, लेकिन पहाड़, सूरज, पक्षी, पेड़, है ना, नदी, ऐसा चित्र बना के, और नीचे फिर ये जो धान की खेती आपको दिखाई दे रही है, ये खेती का चित्र आप बना सकते हैं। और यहाँ पे एक मूस, चूहा जो दिखाई दे रहा है, इस चूहे का चित्र भी आप आराम से बना सकते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, तालाब। तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में एक अच्छा सा चित्र बनाइएगा इसका, ये आपके लिए एक एक्टिविटी ही है, ऐसे एक्टिविटी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि मूस की मजदूरी में, मूस की मजदूरी जो नागा लोक कथा है, इसके अंदर क्या बताया गया है, कहाँ है ना। सो स्टूडेंट्स, ये चित्र बनाइए और ये ऊपर वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने करवाए हैं ये अपनी बुक में कीजिए, आगे का चैप्टर बाद में हम पढ़ेंगे क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थैंक यू।